हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और देवीनाज किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो अगर आप इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे ना तो बहुत डिलीशियस लगेगी, तो एक बार बना के देखिएगा। तो चलिए इसकी प्रोसेस क्या है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है और उस पर मैंने तेल जो है वो गर्म कर लिया है। तो इस पर मैं 1/2 टीस्पून जो है जीरा डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास छोटे वाले आलू थे तो मैंने वो भी छोटे वाले आलू छील के बीच में से सिर्फ 2 टुकड़े कर लिए। तो पहले हम लोग आलू को थोड़ा सा पका लेंगे। आलू ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। एक्चुअली मेरे बेटे को बहुत पसंद है इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे थोड़े से हो चुके हैं, कलर इनका थोड़ा सा चेंज हो गया है, भुन गए हैं ये। तो अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। तो भिंडी, तो यहाँ पर मैंने भिंडी ली है, उसको मैंने धो के पोंछ लिया था अच्छे से और उसको बीच में से इस तरीके से हाफ कट कर लिया है। तो अब हम भिंडी जो है वो इस पर डाल देते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाए ना तो उस पर थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो आप ऑयल जो है वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो इस तरीके से हम भिंडी डाल देते हैं। वो भिंडी कटनी रह गई थी तो वो मैं काट देती हूँ। उसको एक बार चला लेंगे। अब यहाँ पे हम भिंडी जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखना है हमको फ्लेम को। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भिंडी को इस तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक बाउल लिया हुआ है और यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो है वो बेसन ऐड करूँगी। तो मैंने भून लिया है बेसन को, 3 चम्मच जो है वो बेसन ले लेंगे। 2 चम्मच जो है मैंने वाइट तिल जो है उसको ऐसे ही क्रश कर लिया है मिक्सर में और वो डाल देंगे। इसके बाद हमने मूंगफली ली हुई थी तो उसको भी मैंने भून लिया था मूंगफली, और मूंगफली भी मैंने ऐसे पीस ली है। तो मूंगफली डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है वो लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। तो हम मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 पिंच जो है वो हींग डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो हमने भिंडी रखी हुई है गैस में उसको भी हम चलाते जाएंगे जिससे वो इवनली कुक हो सके। अब ये सारे जो मसाले हैं ना इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिल चुका है और साथ में हमारी भिंडी भी जो है वो बहुत अच्छे से पक रही है। तो हम थोड़ा सा भिंडी को और हो जाने देते हैं, उसके बाद मसाला हम लोग डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये मसाला जो है ना ये ऐड कर देते हैं और इनको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भिंडी में लग चुका है। तो अभी हम इसको ढक देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है मसाले के साथ में पकने देते हैं। थोड़ा मसालों, वैसे तो हमने बेसन और मूंगफली वगैरह सब कुछ जो है वो भून के ही लिया हुआ है रोस्ट करके, पर जो हल्दी पाउडर डाला है हमने, मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है, उसका हल्का सा जो कच्चापन है वो चला जाए। तब तक हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिजल्ट कि हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये जितनी आपको डिलीशियस दिख रही है ना, ये उतनी खाने में भी है। यकीन मानिए बना के देखिए, इतनी फटाफट बन जाती है ना और बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है। तो वाकई में ये उतनी ही डिलीशियस है खाने में भी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकन होती है उस पर क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।